मेंडल साहब ने जिस टेक्निक को यूज किया था इन एक्सपेरिमेंट्स में, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, जिसमें इमैस्कुलेशन आपको पता है रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट एंड बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सो दैट द डिजायर्ड पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड, सो दैट द डिजायर्ड काइंड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड। यहां तक सब हमने देखा था। हाँ, यहाँ पर जीन्स के बारे में फिर से सुन लो। इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। टर्म जीन वॉज क्वाइंड बाई जॉनसन एंड अर्लियर। जीन को जो मेंडल साहब ने एक तरह से एक्सप्लेन किया था, बट वहां पर उन्होंने टर्म फैक्टर यूज किया था। तो जो भी बातें हम फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस सबको हम जीन्स के बारे में जान सकते हैं। एंड एलील्स का मतलब क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को, कंट्रास्टिंग जीन पेयर को हम एलील्स और एलीलोमॉर्फ्स कह सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर कुछ टर्म्स जो आप सभी को याद होंगे, जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीनोटाइप है। जैसा जीनोटाइप होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वैसा वो ग्रो करेगा। इन्वायरमेंटल सपोर्ट बस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इन्वायरमेंटल सपोर्ट। जैसे कोई, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है, गुड़हल, इसको अगर आप गमले में लगाते हो, ठीक, या ग्लास में लगाते हो, या जमीन में लगाते हो, तीनों जगह इनकी जो ग्रोथ होगी वो अलग अलग होगी, जबकि जीनोटाइप सेम है। तो इसमें दूसरा इंपैक्ट किसका आया? इन्वायरमेंट का। जब उनको जमीन में लगाया जाता है तो उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे जल्दी। लेकिन जब हम उनको छोटे गमले में लगाएंगे तो वो क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो जीनोटाइप जैसा होगा वैसा वो ग्रोथ शो करेगा, वैसा डेवलपमेंट शो करेगा, लेकिन इन इस ग्रोथ में इफेक्ट कौन करेगा? इन्वायरमेंट। और उसी इन्वायरमेंट के अंदर हम वाटर, सॉयल या जो कुछ भी उनके लिए रिक्वायर्ड है, वो उसको इन्वायरमेंट के अंदर हम प्लेस करते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? तो जीनोटाइप के बाद जो सेकेंड टर्म था, दैट इज फिनोटाइप। इट इज द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन। कैसा वो दिख रहा है वो उसका फिनोटाइप है, विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, ये सारा टर्म क्लियर हो गया था। डोमिनेंट रिसेसिव पहले ही क्लियर है, सारे लॉज हमने क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे पनेड स्क्वायर को, तो ये जो बैक क्रॉस है, इससे जो दो लाइंस मैंने आपको याद कराई थी, फिर से सुन लो कि बैक क्रॉस इज इसेंशियल फॉर रीजनरेटिंग द सुपीरियर कैरेक्टर्स विच आर लॉस्ट थ्रू कॉन्टिन्यूअस पॉलिनेशन, या फॉरवर्ड जब बढ़ते चले जा रहे हैं तो जो सुपीरियरिटी है अगर वो लॉस्ट कर जाती है तो उनका दोबारा से बैक क्रॉस कराते हैं। अब बैक क्रॉस के अंदर इफ F1 इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, देन दिस इज अ टेस्ट क्रॉस, एंड इफ F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड थ्रू डोमिनेंट पेरेंट्स, देन दिस इज आउट क्रॉस, एंड दिस टेस्ट क्रॉस इज essential for knowing the genotype of unknown individual, या जो unknown phenotype है उसको जानने के लिए। बात क्लियर है? इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने एक्सप्लेन किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि ये मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला ही बात कि स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम स्पीसीज, फोरो क्लॉक प्लांट, मिराबिलिस जलापा, वहां पर ये देखा जाता है जब रेड फ्लावर्ड ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस व्हाइट फ्लावर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के साथ कराते हैं, तो F1 इंडिविजुअल्स में सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर के आएंगे? पिंक कलर के आने चाहिए थे, रेड कलर के, क्योंकि ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है कि यहां जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो क्या आएगा, ये देखो दोनों का रेशियो क्या लिखा है, 1:2:1 का, जबकि मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था वहां पर जीनोटाइप रेशियो तो 1:2:1 का आया था, बट फिनोटाइप रेशियो क्या आया था,
3:1 का, तो ये मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है। बात क्लियर हुई? इसके बाद समझो जो यहां पर हमने बात करी थी कोडोमिनेंस की, तो यहाँ पे जब हम एबीओ सिस्टम, जिसको लैंडस्टीनर साहब ने बताया था, एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप रिपोर्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो एबी ब्लड ग्रुप है IA और IB, ये कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करें तभी एबी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, और एबी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। एंड वॉट अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म? मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है, हम बात कर रहे थे कंट्रास्टिंग जीन पेयर की, ठीक, एलील्स की, तो वहां पे हमें पता है कि दो हैं, बट जब दो से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, क्योंकि यहां पर IA भी है, IB भी है और IO भी है, तो इस वजह से ये जो एग्जाम्पल होता है ये किसका है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म के बाद ये देखो ये है जीनोटाइप। और हाँ, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि टोटल कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं इन 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक, फिर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करी थी, कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। फिर से सुन लो कि जब हम इनके जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं तो फिनोटाइप रेशियो जो आता है वो 9:3:3:1 का आता है, और जीनोटाइप रेशियो मैंने बोला था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जैसे 1:2:1 जीनोटाइप वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका स्क्वायर कर दो आपको इसका जीनोटाइप पता लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आप वहां से बता सकते हो। नेक्स्ट हमने सुटन एंड बावेरी ने जो प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो बातें कही गई हैं जीन्स के लिए वो लगभग लगभग क्रोमोसोम्स के लिए भी सही साबित होती हैं। आपने उन दो डब्बों को भी देखा था जहां पर ये दोनों बातें सही कही गई थी लास्ट लेक्चर में। आप लोगों ने ही बताया था कि ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रोमोसोम को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है जीन को। तो ये बात हम पेयर्स और पेयर से क्लियर कर पाए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर्स, और हर करेक्टर के लिए 1 जीन पेयर प्रेजेंट है, हर एक करेक्टर के लिए 1 जीन पेयर प्रेजेंट है, जो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। दोनों डोमिनेंट एलील्स भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव एलील्स भी हो सकते हैं, या दोनों अल्टरनेट भी हो सकते हैं हेटरोजाइगस कंडीशन में। और अगर हेटरोजाइगस कंडीशन हुई तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो डोमिनेंट तो करेगा ही, उसी केस में रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये सारी बातें आपने यहां पे जानी थी। यहां पर एक लाइन था जो मैंने आपको कल याद कराया था, उसको याद रखना, इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो प्रपोज किया था किसने, सुटन एंड बावेरी साहब ने। किसने प्रपोज किया था, सुटन एंड बावेरी साहब ने, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो प्रपोज किसने किया था, टी एच मॉर्गन साहब ने। बात क्लियर है? और मॉर्गन साहब ने फ्रूट फ्लाई को लिया था इसके लिए, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने बताए थे कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के होते हैं, और ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर इतना सुटेबल क्यों था, क्योंकि इसके अंदर लाइफ साइकिल जो थी वो बहुत शॉर्ट थी, जिससे तुरंत रिजल्ट मिल जाते थे, 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल है, और सिंगल मेटिंग के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे, और जो यहाँ पर ये मेल फीमेल हैं इनमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन इनके सेक्सेस में देखने को मिलता है। इस वजह से यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। पूरी कहानी याद हो गई है सब कुछ?
अब देखो जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की, ठीक। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से यहां से एक बार समझ लो इसका ओवरव्यू, फिर आप इसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बट वही है कि उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो समझ लोगे तो मेमोराइज करना इजी होगा। एक सेकेंड, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बहुत ध्यान से सुनना,